एक तरफ तो गोपाल कांडा ने प्रचार की कमान संभाली है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार और गोपाल कांडा के अनुज गोविंद कांडा भी क्षेत्र में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एक के बाद एक कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान गांवों में मिल रहे भारी जनसमर्थन से काफी वो उत्साहित भी दिखे। जीत के लिए चुनावी प्रचार अपने चरम पर है। बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा गांव-गांव जाकर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। शुक्रवार को भी उन्होंने चार गांवों का दौरा किया। सबसे पहले गोविंद कांडा का काफिला किशनपुरा गांव पहुंचा, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने एलनाबाद में कमल खिलाने का आह्वान किया। सर, लोगों की क्या डिमांड है अभी तक? कोई डिमांड नहीं है लोगों की, लोगों की यही डिमांड है कि पहली सरकार बनाएंगे, सरकार के साथ जाएंगे, सरकार के साथ जाएंगे। गोविंद कांडा ने कहा कि आपके बीच नेता बनकर नहीं, सेवक बनकर विकास करवाने आया हूं। गोविंद कांडा ने लोगों से कमल के फूल पर बटन दबाने की अपील की। और थाना सरकार में साझा करवा दीजिए, ये उपचुनाव है 3 तारीख में, एक एक धरो आशीर्वाद, एक एक धरो वोट, कमल के निशान पे 2 नंबर को निशान है वे पे लगा दियो। और 2 तारीख में प्रमाण सरकार में साझा हो जाएगा। यो वोट देखो, ये MLA ने कौन दो मेरे वास्ते कौन, यो थारो वोट सिर्फ तो मुख्यमंत्री जी की जोड़ी में जाओगा। एक एक वोट थारो मुख्यमंत्री जी वास्ते है। ये भी देखियो ना, बिना मौसम की बरसात बरसी, ये 3 साल तक मुख्यमंत्री जी बरसेगा इलाहाबाद के, इलाहाबाद को विकास देख लियो। तो मैं तो एक समाज सेवी हूँ, सिर्फ थाने जोड़न आयु परिवार के साथ, परिवार की दरिया रहन है, दुख सुख के साथ है, क्योंकि सालों भी मन करते हो कभी भी जाएगा घर जाने को, करे कौन करे नहीं। तो मैं वहां से आयो के ये मेरे घर आओ, चाय पानी पियो, और थारो भी मन करते हो कि थे मैंने गांव में बुला के चाय पानी पियाओगे, करे नहीं सुख दुख में। मैं तो यहाँ वहां से आयो, ये मेरे बुजुर्ग ने और मेरे छोटे भाइया ने और बड़े भाइया ने साके जुड़न आयो, परिवार बड़ो कर सेवा वास्ते। तो मैं हूँ समाज सेवी, कोई राजनीतिक आदमी को नहीं, ना मैंने राजनीतिक पहला ही ना पावे ना बाद में, मैं सिर्फ सेवा करना आया हूँ। और मुख्यमंत्री जी मैंने सिर्फ थारा रखे की सेवा वास्ते भेजे। इस दौरान गोविंद कांडा ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला और कहा कि पिछले 17 सालों से एलनाबाद विकास का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वो 3 साल में करके दिखाएंगे। 17 साल तो विपक्ष में हो गया, 70 साल से दे बड़े ही बैठे हो, वह काम को नहीं हुआ, वह काम थाने में 3 साल में कर दूंगा, क्योंकि बाबा तारा जी का आशीर्वाद है। क्योंकि जो भी राजनीति का होगा थाने मेरा आपके पास तो आवे, और भाई गोपाल कांडा गोविंद कांडा तो सिर्फ थारी लड़ाई लड़ना है। और विकास पर लोग को नहीं रहने दू, जय चीज की भी जरूरत है इलाहाबाद हल्के में, मुझे जान की जरूरत होगी मुख्यमंत्री जी का नापी जाके दे देगा। 17 साल से विपक्ष में बैठे हो के जी, कल अभी आप गलती करी 2010 में उपचुनाव में कि सरकार के साथ कौन गया, तो भी ये बैठे हैं। अब फिर लोगों मिल गया थाने सरकार के साथ जाने को, तो अपना विकास हरे हाथ में है। और मैं परिवार बड़ों करना है, सिर्फ सारी सेवा करना है। ये 30 तारीख ने गुरुओं को नाम ले गए, नाद हो गए, लंबी लंबी लाइना लगा लियो, और थारो खड़ को गुरु ले गए, कौन जाके बैठे। वहीं नहर में पानी आने के लिए लोगों ने सीएम मनोहर लाल का आभार जताया, तो गोविंद कांडा ने बीजेपी को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि जनता का एक एक वोट सीधे सीएम की झोली में जाएगा। यहाँ नहीं, मैं पूरे हलके में घूम रहा हूँ, और आज मैंने यहाँ से शुरुआत की है दौरे की। बहुत बढ़िया माहौल है और सबके मन में आ गया कि बदलाव करना है, और यहाँ तो बहुत बड़ी सौगात दी है मुख्यमंत्री जी ने, और इस एरिए को ही, पूरे एरिए को, इलाहाबाद के एरिए को दी है, बहुत बड़ी सौगात है। और सबके मन में उत्साह है, और सबके मन में एक विश्वास भी है कि इसकी बार मुख्यमंत्री जी के हाथ और मजबूत करके यहाँ से, क्योंकि तो यहाँ का एक एक जो वोट है, वोटर है, वो सीधा मुख्यमंत्री से जुड़ना चाहता है और मुख्यमंत्री से ही जुड़ेगा, आपकी बार डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को वोट जाएगा। तो बड़ा उत्साह है और बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पे, 2 तारीख को बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है। पहली बार कमल खिलेगा इलाहाबाद इतिहास में, बिल्कुल बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है। किशनपुरा के बाद गोविंद कांडा ने मिठनपुरा गांव का भी दौरा किया, जहां लोगों ने उन्हें भरपूर प्यार देकर इस बार विधानसभा में भेजने का वादा किया। मिठनपुरा के बाद गोविंद कांडा का काफिला
ढाणी शेरा गांव के लिए निकल गया। यहां गोविंद कांडा को भारी जन समर्थन मिला। ढाणी शेरा गांव में जनता से वोट की अपील करने पहुंचे गोविंद कांडा का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। गांव के युवाओं और बुजुर्गों के साथ साथ गांव के बच्चों ने भी फूलमालाओं के साथ गोविंद कांडा का इस्तकबाल किया। जनता से वोट की अपील करते हुए गोविंद कांडा ने कहा कि जीत के बाद एलनाबाद का विकास करेंगे। गोविंद कांडा ने कहा कि इस बार आपका वोट सीधा मुख्यमंत्री को जाएगा और मुख्यमंत्री हल्के का विकास कराएंगे। एक एक बटन कमल को दबा दियो, दूसरे नंबर पर मेरा निशान है कि मैं धन सरकार में संजोकरण दिया हूं। चालती सरकार है, मेरे ऐसे विधायक मैंने विधायक को वोट कौन देना रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने वोट देना रहे चालती सरकार ने। अगर देख रही है बिना मौसम की बरसात बरसे यहां मुख्यमंत्री जी बरसा करती हिसाब से। गोविंद कांडा ने कहा कि पिछले 17 सालों से एलनाबाद विपक्ष में रहा है, इस बार जनता को सुनहरा मौका है। उन्होंने कहा कि कमल के निशान को दबाकर हिस्सेदारी कर सकते हैं। 70 साल में कुनियो हो, मैं 3 साल में करके दिखाऊंगा। मैं कोई राजनीति आदमी को भी ना, मैं राजनीति खरीद मैं तो सेवादार आदमी हूँ, सेवा करने आदमी हूँ, सेवा करना है। मुख्यमंत्री जी मतलब हरी सेवा करने भेजे और परिवार बड़ो करने भेजे, मैं तो थाना भाईचारे में जुड़न आयो, चलो छोटो भाई हो गए, मैं थाना जोड़ू हरी सेवा करूं, एम वास्ते मैं हरी सेवा वास्ते बनता रहे, क्योंकि मैंने ये सोच है कि इलाके की सेवा करा, क्योंकि 17 साल से तो विपक्ष में हो और 70 साल से एक ही घर में हो, काम से देखो एक ही तो करे। अभी भी धरिया तरक्की कराई है तो मेरे ख्याल मुख्यमंत्री जी का अच्छा सहयोग है, और मेरे ख्याल से बच्चा कितना लाग गया होगा, 3 लाग गया है बिना पर्ची और बिना खर्ची के, तो ज्यादा अगर 3 में लगा देता तो काम करता हो लगा देता सर। और थारो भी मन कर तो वो के विधायक जावा चाह पाने पी गावा करेंगे करेंगे मन थारो, और थारो मन यो भी कर तो होगा कि विधायक मारे घर आवे चाह पाने पीने, कोई दुख सुख में सांझो हो, कोई मेरे जागरण कराओ, कोई भंडारों कराओ, कोई प्रोग्राम करो तो मैंने बुलाओ, गौशाला में गौशाला भी है, गौशाला तो करोगा तो मैंने बुलाओगा जरूर, टाइम दे दीजिए गौशाला बताना, मैं गौ माता का द्वार पर तैयार हूँ। ये तो समाज से भी आदमी है और शुरू से समाज सेवा करी है। इसके बाद गोविंद कांडा ने कर्मशाला गांव का भी दौरा किया, जहां भी गोविंद कांडा गए वहां उनके साथ अपार जन समर्थन दिखा। लोगों से उन्होंने नेता नहीं बल्कि सेवक के तौर पर काम करने के लिए वोट की अपील की, तो लोगों ने भी इस बार ऐसा विधायक बनाने का संकल्प लिया जो उनके सुख दुख में उनके साथ हो। लोगों से मिल रहे प्यार से गोविंद कांडा काफी खुश नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।